हेलो फ्रेंड्स, नीलम रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ दो चीज़ों का इस्तेमाल करके बहुत ही जल्दी, आसानी से और स्वादिष्ट बनने वाली कोकोनट बर्फी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 400 ग्राम स्वीट कंडेंस मिल्क और 350 ग्राम कोकोनट का पाउडर यूज़ किया है। ये दोनों ही चीज़ मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अब हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई में कंडेंस मिल्क डाल देंगे। कंडेंस मिल्क गाढ़ा होता है, इसलिए स्पून से इसको निकाल लेंगे। अब हम कंडेंस मिल्क को 30 सेकेंड या 1 मिनट के लिए गर्म करेंगे, इससे ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे। कोकोनट का पाउडर डाल देंगे। अब करछी को मिलाते हुए चलाएंगे। बस हमें यहाँ पे कोकोनट पाउडर कंडेंस मिल्क को मिलाना है। लगातार चलाते हुए मिलाएंगे ताकि यह कढ़ाई की सरफेस पे लगे ना। देखिए, यह कढ़ाई की सरफेस छोड़ने लगा है। अब हम यहाँ पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। एक सेटिंग ट्रे लेंगे, घी लगाएंगे और इसको ग्रीस कर लेंगे। इस तरह से इसको टैप कर लेंगे। मैं स्पैचुला का यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर की सतह को एकदम फ्लैट कर लेंगे और 30 मिनट के लिए इसको ठंडा रखने के लिए छोड़ देंगे। तीस मिनट हो चुकी है, हमारी बर्फी एकदम सेट हो चुकी है। अब हम इसे काट लेंगे। आप इसे कोई सा भी शेप दे सकते हैं। देखिए, मेरे काटने से ही पता चल रहा होगा ये बर्फी कितनी हमारी मुलायम बनी है। मैं यह स्क्वायर साइज में से काटूंगी। सारी बर्फी को मैंने कट कर लिया है। एक बर्फी तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए कितने आसानी से निकल रही है। और कितनी मुलायम बनी है हमारी कोकोनट की बर्फी। बनके तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।